ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूत प्रेत डाकन चुड़ैल क्या ये होती है? मैं कहता हूं होती है। भूत और प्रेत ये कल्याणकारी होते हैं तथा अपने कल्याण के लिए प्रयत्न भी करते रहते हैं। इन्हें ऐश्वर्य विभूति कल्याण की आकांक्षा होती है। भूत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। भूत प्रेत की गति एवं शक्ति बहुत होती है। इनकी अलग अलग प्रकार की जाति भी होती है, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल क्षेत्रपाल इत्यादि। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। शाकिनी डाकिनी चुड़ैल ये भी होती है। इस तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। शास्त्र कहते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है कि यदि प्रसूता स्त्री, प्रसूता स्त्री यानी जो बच्चा देने के बाद मर जाती है वह स्त्री, या नव युवती जिसकी तुरंत अभी अभी शादी हुई हो और वह स्त्री मर जाए तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। वो देवी का रूप धारण करती है और जप तप करती है और विभिन्न शरीरों में आकर के मनुष्यों का परोपकार का काम करती है। जो स्त्री बुरे कर्म वाली होती है और वह मर जाती है तो उसकी आत्मा को डायन कहते हैं, डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पाप कर्म व्यभिचार कर्म अकाल मृत्यु और श्राद्ध न करने से होती है। ज्यादा शोर उजाला और मंत्र उच्चारण से यह शक्तियां दूर रहती है, इसलिए अधिकतर प्रेत चुड़ैल डाकन इनको कृष्ण पक्ष अधिक पसंद होता है। 13 के दिन 14 के दिन अमावस्या के दिन इनमें बहुत शक्ति आ जाती है, क्योंकि उस दिन अंधेरा रहता है रात के वक्त में। इसलिए इनसे बचें, शुद्ध रहें, रोज स्नान करें, मन को शुद्ध रखें, आत्मा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और स्वच्छ रहें, तो ये साथ नहीं होते हैं। अन्यथा जहां पे अपवित्रता होगी अशुद्धता होगी वहां पर ये अवश्य आते हैं।